दिल्ली कॉलेज के छात्र ने डिजाइनर द्वारा मार डाला, वह डेटिंग ऐप पर पहुंचा पुलिस। आयुष नौटियाल के परिवार ने अपने फोन से कई व्हाट्सएप ग्रंथों को प्राप्त किया। उन्हें दिखाया गया था कि वह बाउंड और गैगन दिखा रहा है और ₹50 लाख। बुधवार को एक मृतक की मौत पर दिल्ली के एक कॉलेज के छात्र की अपहरण और हत्या के पीछे एक रिश्ते की खूबी की कहानी है। पुलिस ने 25 वर्षीय डिजाइनर को गिरफ्तार करने के बाद पता चला है कॉलेज के लिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली में द्वारका में अपने घर छोड़ने के बाद 21 साल के आयुष नौटियाल गायब हो गए थे। कुछ घंटों बाद में उनके परिवार ने अपने फोन से कई व्हाट्सएप ग्रंथों को प्राप्त किया। उन्हें बाधे और गंगा कर दिया और ₹50 लाख। लड़की के परिवार को ₹50 लाख। परिवार ने अपने शरीर को एक बैग में पाया बुधवार को एक नाली में तैरते हुए। अपहरणकर्ता इस्तियाक अली ने पुलिस को बताया कि वह एक हथौड़ा के साथ आयुष की हत्या कर रहे थे। परिवार ने द्वारका के पैसे के साथ 2 दिनों के लिए चले गए। आयुष और उनके अपहर्ताओं की तलाश में बुधवार की शाम को उन्होंने अपने शरीर को एक बैग में पाया एक नाली में तैरते हुए। आयुष के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड और सुरक्षा फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने एक डिजाइनर जो एक डेटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से छात्र से मुलाकात की थी इस्तियाक अली पर चुना। पुलिस ने कहा कि आयुष डेटिंग एप्लीकेशन का एक नियमित उपयोगकर्ता था। इस्तियाक अली जो उत्तम नगर में रहता है और एक निर्यात घर के लिए काम करता है ने कथित रूप से पुलिस को बताया कि वह क्रूरता के साथ एक लड़ाई के बाद एक हथौड़ा के साथ आयुष को मार डाला। हत्या के बाद उसने कथित तौर पर आयुष के परिवार को गुमराह करने और शरीर के निपटान के लिए समय निकालने के लिए फिरौती की मांग की। अपहरण के दिन पहले कुछ संदेश के बाद इस्तियाक ने 26 मार्च को सोमवार को एक और संदेश भेजा था कि मांग की गई कि द्वारका से लगभग 4 किलोमीटर दूर उत्तम नगर के पास फिरौती का पैसा दिया जाएगा। सादे कपड़े के कुछ 30 पुलिस टीमों ने इस क्षेत्र में छिपा रखा था, लेकिन अपहर्ताओं ने पैसे इकट्ठा करने के लिए दिखाई नहीं दिया। उसके बाद परिवार ने पैसे छोड़ने के लिए कई निर्देश प्राप्त किए, लेकिन कोई भी नहीं आया। जब आयुष के फोन और उसके शरीर का निपटान करने वाला वाहन मिल गया तो पुलिस ने मामले पर त्वरित प्रगति की। रामलाल आनंद कॉलेज में वाणिज्य के अंतिम वर्ष के छात्र आयुष अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र थे। उनके परिवार ने पुलिस को अपहरणकर्ताओं को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त नहीं करने का आरोप लगाया है।